एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद मुंबई का जो बाजार है जहां अंडे होलसेल मिलते हैं, चिकन मिलता है, वहां पर भी मंदी देखने को मिल रही है और अंडों के भारी दाम गिर गए हैं और जो दुकानें हैं वहां पर उनके ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मैं यहां पे एक शॉप पे आया हूं जो ये होलसेलर हैं। आप देख सकते हैं कि अंडों की छह लगी है लेकिन यहां पर ग्राहक नहीं है। मेरे साथ जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ, ये बताइए कि जब से ये बर्ड फ्लू का हुआ है, चल रहा है, मुंबई के जो अंडा बाजार है, अंडे की जो दुकानें हैं, वहां पे कितने ग्राहक कम हुए हैं और रेट क्या हो गया है? जी, बहुत फर्क पड़ गया धंधे में। धंधा तो समझिए चार आना हो गया, बिल्कुल धंधा ना के बराबर है। हम लोग सिर्फ दिन भर आते हैं, दुकान खोल के बैठे रहते हैं, उसके बाद में दुकान बंद करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं भाई बीमारी है, ये है, वो है, दुनिया की बातें करते हैं, उससे कुछ अभी धंधे में एकदम हमारा धंधा बिल्कुल खत्म के बराबर हो गया है। हम लोग सिर्फ दिन भर दुकान खोले, आए और बंद करके चले गए, व्यापार एकदम ठप हो चुका है हमारा। अगर जो बर्ड फ्लू जब नहीं आया था उसके पहले जो है क्या रेट अंडे का चल रहा था, दर्जन के हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ, और अभी क्या है? बर्ड फ्लू के पहले हमारा 72 रुपीस दर्जन चल रहा था और आज के टाइम पे हम 50 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। बिल्कुल दाम एकदम घट के खत्म होने के कगार पे, हम लोग को बिल्कुल एकदम धंधा बंद करने के कगार पे आ गए। 50 रुपये होने के बावजूद क्या ग्राहक आ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ग्राहक का एकदम ना के बराबर है, गिरेक ही नहीं है। इतना सस्ता होने के बावजूद भी गिरेक नहीं है। अभी बर्ड फ्लू जैसे कि बढ़ता जा रहा है, अभी और भी जो है लोगों में डर पैदा हो रहा है कि चिकन में और अंडों में भी बर्ड फ्लू पाया जा सकता है, तो इसकी वजह से क्या लगता है, कोरोना के बाद आप लोगों का बाजार थोड़ा सा सुधरने लगा था, अब फिर क्या हालात हो रहे हैं? नहीं, हम तो पहले उस टाइम पे भी दुकानें बंद ही रहती थी हमारी, व्यापार करने मिलता नहीं था। इस टाइम भी ऐसा हालत हो गई है कि व्यापार करने बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। उस टाइम पे दुकान नहीं खोल की वजह से व्यापार बंद था, अब दुकान खोल के भी व्यापार नहीं है, ग्राहक आ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जो ये जो दुकानदार हैं अंडे चिकन के, जो दुकानदार, इनका कहना है कि इसके पहले हम लोगों ने कोरोना की मार झेली और अब जैसे ही बाजार में थोड़ा सा रौनक आ रही थी, हमें ग्राहक मिल रहे थे, हमारा धंधा शुरू हो रहा था, अब उसके बाद बर्ड फ्लू का कहर आ गया है जिसकी वजह से मुंबई का जो चिकन और अंडे का बाजार है, जो दुकानें हैं, वहाँ पर ग्राहक कम हुए हैं और इनका जो सेल थी, अंडे की जो सेल थी, वो एकदम कम हो गई है। और जो अंडा बर्ड फ्लू के पहले 72 रुपये दर्जन मिल रहा था, आज वो 50 रुपये दर्जन मिल रहा है, फिर भी ग्राहक नहीं है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद मुंबई के बाजार में भारी मंदी देखने को मिल रही है चिकन और अंडे की दुकानों में। कैमरामैन श्रीकांत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।